आज तीसरा रोज है। अदनान साहब ने एक बात की कि हम आपके गम में बराबर के शरीक हैं। अदनान साहब, ये हम 93 या 145 या 115 लोगों का गम नहीं है। हमने अपने 4 करोड़ केपीके के अवाम के दिलों की उमंगों की तर्जुमानी के लिए ये बात पाकिस्तान और केपीके की तारीख में पहली मरतबा इतनी आजाद डिस्कशन और जो मदाखलत हो रही है पूरे पाकिस्तान में, पुख्तूनों ने हमेशा की तरह इस दफे भी पहल कर दी है और अपने दिल का गुबार अपनी आवाम के सामने असेंबली के फ्लोर पे रखा है। जनाब स्पीकर, 9 मई का वाकया हो या 9 सितंबर का, एक बात में आपकी तवासत से, इस हाउस की तवासत से पूरे पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम को बताना चाहता हूं कि कोई भी सियासी जमात को सिर्फ सियासत से खत्म किया जा सकता है, जोर से जबर से नहीं खत्म किया जा सकता। 9 मई को इन्होंने एक प्लान बनाया और इन्होंने कहा कि कोर कमांडर हाउसेस में घुस के मुकद्दस गाय बना दी, GHQ बना दिया हमारे लिए मुकद्दस गाय की सूरत में। उनके ऊपर इनका पेट नहीं भरा क्योंकि इन्होंने चोरी करनी थी और इमरान खान इनके खिलाफ खड़ा था। जनाब स्पीकर, 9 सितंबर की और 10 सितंबर की जो दरमियानी शब थी, इन्होंने वहां पे अटेम्प्ट किया। आपको यह बात बताना चाहता हूं कि यह कुछ और मामला नहीं था, जिस तरह फार्म 45 और फार्म 47 की बात बाजगश्त इजलासों से पहले होती रही, यहां पे भी 39 और 41 वाला मामला था। जनाब स्पीकर, इन्होंने फिर एक ओछे हथकंडे के जरिए हमारे बाज जो MNAs थे, जिनको इन्होंने जानबूझकर अदलिया के तवासत से इन्होंने आजाद रखा था, उनको डराने के लिए और एक्सटेंशन के लिए इन्होंने ये ड्रामा रचाया। हमें पता है इसके पीछे कौन है, वो हमसे क्या चाहते हैं। जनाब स्पीकर, इनको आप जमीनें दें, इनको आप DHA में 10,000 कनाल की जमीनें अलाट कराएं, हम आपसे गिला नहीं करते। अपोजिशन लीडर साहब ने बातें की, इनको आप 10% एग्रीकल्चर लैंड थे पंजाब की तरफ से, हम फिर भी कुछ नहीं कहते क्योंकि आप सियासत के चैंपियन बनते हैं। मेरे हजारा के 2 गांव, हरिपुर के 2 गांव इनको दें, इनको मोनाल दें, इनको तजारतों के लिए बॉर्डर दें, अमन के लिए न दें, क्योंकि आप ही आज इनके पेरोल पे हैं। आज ही रॉजर सर का नारा आपके मुंह से निकल रहा है, हमने बर्दाश्त किया, पूरी पाकिस्तान और पूरी दुनिया ने देखा कि हम डटे रहे। हमारे ऊपर इल्जामात लगे कि इनका लीडर 1 हफ्ता जेल में होगा, डील करके चला जाएगा। आज 13.5 महीने हो गए हैं और वो जेल की सलाहों के पीछे से इनको बता रहा है कि आपने भागना नहीं है, हम इंशाल्लाह उसके साथ खड़े हैं, उसके इंशाल्लाह सिपाही की हैसियत से, वर्कर की हैसियत से इंशाल्लाह उसके साथ खड़े हैं। इन्होंने जितना जुल्म करना है, हमने पहले भी अपने सर रखे। आपने अली अमीन की कुर्बानियां देखी 9 मई के बाद, आपने मुराद शहीद की कुर्बानियां नहीं देखी 9 मई के बाद, आपने आजम स्वाति, शकील खान, पुख्तूनियार जितने यहां पे चेहरे बैठे हुए, आप सबने कुर्बानियां नहीं देखी, आप हमें नहीं तोड़ सके। यहां पे 39 और 41 का जो आपने ड्रामा रचाया, आप उनको भी इंशाल्लाह नहीं तोड़ सकते। जनाब स्पीकर, मुल्क इदारे रूल ऑफ लॉ पे चलते हैं। जैसे अदनान साहब ने बात किया, आज अपोजिशन लीडर साहब नहीं है, हम भी ये मानते हैं और हमें भी ये पढ़ाया गया है कि ये रूल ऑफ लॉ पे चलते हैं और इनको चलना चाहिए, लेकिन यहां पर यह तासर दिया जा रहा है, ये कंटोनमेंट रियासत है, ये DGISPR रियासत है, ये आर्मी चीफ रियासत है। मैं कहता हूं, आज आपने रियासत को जेल के पीछे बंद किया हुआ है, मैं रियासत हूं, पाकिस्तान का एक एक फर्द रियासत है, लेकिन आप इस बात को नहीं समझोगे। एस्टेब्लिशमेंट क्या चाहती है हमसे? एस्टेब्लिशमेंट कायदे आजम की तिबी मौत की सूरत में, लियाकत अली खान की गाली की गोली की सूरत में, बांग्लादेश के टूटने की सूरत में, कारगिल में हारने की सूरत में, ये क्या चाहती है हमसे? वो अपना एजेंडा बताए। हम ये भी नहीं कहते कि आप कारोबार ना करो, आप कारोबार करो, आपके कारोबार का पाकिस्तानी अवाम को क्या फायदा है? मुझे तो पाकिस्तानी अवाम का कोई फायदा नहीं आ रहा। आप कह रहे हैं कि हम फौजी फाउंडेशन को ये पैसे दे रहे हैं जो प्रॉफिट की सूरत में, कारोबार की सूरत में आता है, वो पैसा किधर जाता है?
इन्होंने जो अपनी कंटोनमेंट्स बनाई हैं, डीएचए बनाए हैं, सबसे महफूज जगह है। मैंने तो उसामा बिन लादेन को अब्तबाद में नहीं छुपाया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उस वक्त हुकूमत थी, इमरान खान ने उसामा बिन लादेन को बुलाया और वहां पर छुपाया। आपने ही छुपाया और आपने ही ड्रामा नचाया। मैंने तो उसामा बिन लादेन शहीद की लाश भी नहीं देखी। जनाब स्पीकर, ये बातें आपको थोड़ी देर सुननी पड़ेंगी। सेहत इनके पास, हमारे 26 महकमे में 22 महकमे में ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली बैठे हुए हैं। इक्तसादियात इनके पास, इतने इन्होंने अरबों रुपए की बॉर्डर लाइन पे इन्होंने बाउंड्री वॉल लगाई, क्या कहते उसको, बाड़ लगाई। क्या फायदा है इसका? हमारे पैसे को अपनी मनमर्जी से इस्तेमाल करके अपने कारोबार चला रहे हैं ये। ईरानी तेल कौन स्मगल कर रहा है जनाब स्पीकर? जरायों से मालूम होता है ये जो नामालूम है वही ये सब कुछ कर रहे हैं। मैं इस हाउस की तवासत से कहता हूं, हम और अवाम अब बगावत चाहते हैं। बगावत पे आप हमें न उकसाएं। हम इनकलाब के लिए भी तैयार हैं, बगावत के लिए भी तैयार हैं। आप होश के ना हन लें। आपने जो एस्टेब्लिशमेंट ने एक बंदे को अंदर करके शो पीस के तौर पे हमें दिखे रहे हैं कि हम अकाउंटेबिलिटी कर रहे हैं, नहीं, आप स्टार्ट करें। पाकिस्तान जब से बना है उनकी कब्रों का कोर्ट मार्शल करें। उनके आप जो भी आपको होता है, आप हमें इतना मुतमईन करें कि आप खुद को यहां पे लाके खड़ा करें। आखिर में एक मिनट बात करूंगा यहां पे मौजूदा सूरत हाल पे, करक की लकी की जो सूरत हाल है। जनाब स्पीकर, आप आईजीपी को बुलाएं। ये जो फौजी हैं ये अभी टिक नहीं सकेंगे इंशाल्लाह। ये जो गैर कानूनी तरीके से, इस डॉक्टर शाह साहब ने कहा कि भत्ते लेते हैं कोई हमसे आके, कौन इन बॉर्डरों के इनको इधर छोड़ता है? आपने आईजीपी को बुलाना है, वहां पर डीपीओ को बुलाना है, डीआईजी को बुलाना है, और इस हाउस को उन्होंने ब्रीफिंग देनी है कि सूबे में क्या हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब।